हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड जो आज का वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाया हुआ ही ये वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिगो एयरलाइंस की ट्रेनिंग फीस कितनी है। तो इंडिगो एयरलाइंस की ट्रेनिंग फीस है वो 50,000 है, जो रिफंडेबल है, जो आपको 3 साल बाद में फिर से मिल जाएगी, राइट। सो इंडिगो इस टाइम पे हायर कर रही है कैबिन क्रू के लिए, एयरबस के लिए, एटीआर के लिए। सो एयरबस में और एटीआर में क्या क्या डिफरेंस है उसके लिए मैंने एक आपके लिए अलग वीडियो बनाया, तो आप वो वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एकोमोडेशन की कि क्या कैबिन क्रू को एकोमोडेशन मिलता है कंपनी की तरफ से। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस में वर्क कर रहे हैं जैसे विस्तारा, स्पाइसजेट, इंडिगो, गोएयर, तो आपको वो कोई भी एकोमोडेशन नहीं देते हैं। आपको जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो ट्रेनिंग में आपको 15 डेज का एकोमोडेशन मिलता है, देन 3 मंथ्स के लिए आपको खुद का कुछ रूम लेकर रहना पड़ता है या फिर आप पीजी में रह सकते हैं, राइट। सो इसी तरह से जब आप अपने बेस पे जाएंगे, जैसे मेरा जो ट्रेनिंग हुई थी वो गुड़गांव में हुई थी, तो गुड़गांव में मुझे 15 डेज का एकोमोडेशन मिला था। उसके बाद में जो बाकी के 2-3 मंथ्स बचते हैं उसमें हमें खुद से रेंट पे लेकर रहना पड़ता है या फिर पीजी में रहना पड़ता है, राइट। सो इसी तरह से जब हम बेस पे आए, जैसे हम चेन्नई आए, तो चेन्नई में हमें 15 डेज में होटल में स्टे मिला था कंपनी की तरफ से। होटल में स्टे करने के बाद में हमें खुद अपना रूम या पीजी हमें देखना होता है। तो आपका मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया था कि ट्रेनिंग का पूरा हमारा हमें कितना कुछ पे करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग में अगर आपकी एयरलाइन आपसे ट्रेनिंग फीस लेती है तो 50,000 आपको ट्रेनिंग फीस पे करना होगा। 50,000 ट्रेनिंग फीस पे करने के बाद में अगर आपको मैं बताऊंगी कि आपका ट्रेनिंग में कितना खर्चा हो सकता है, तो वो अप्रोक्सीमेट ये है कि आप 3 मंथ्स के लिए या फिर 2 मंथ्स के लिए आपको कहाँ रहना है। तो अगर आप दिल्ली में हैं और आपकी ट्रेनिंग दिल्ली में है तो आप अपने घर से रोज आ जा सकते हैं, तो आपका रहने का कुछ भी नहीं लगेगा। बट जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी तो मैं उस टाइम पे दिल्ली में थी, तो मुझे दिल्ली से हमेशा अप डाउन करना पड़ता था। मुझे कैब्स हमें कंपनी की तरफ से ही कैबिन क्रूज को फ्री मिलती हैं। सो अगर आप कैबिन क्रू हैं एंड अगर आप ट्रेनिंग में हैं 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में, तो आपको कैब अपने घर से लेके जाएगी ट्रेनिंग सेंटर तक, तो आपको उसका कुछ भी चार्ज नहीं पे करना पड़ता। सो इस तरह से ट्रेनिंग में अगर आप फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं, अगर आप अकेले रह रहे हैं रूम लेकर या पीजी में, तो आपका आप मान सकते हैं कि आपका मंथली 6,000, 7,000, 8,000 तक आपका पड़ सकता है। तो अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो आपका 6,000, 7,000 आपका हो सकता है। बिकॉज दिल्ली में जब मैं रहा करती थी पीजी में, तो आई वॉज लिविंग इन अ 3-सीटर रूम, तो 3-सीटर रूम में आई वॉज पेइंग 6,800। सो इस तरह से अलग अलग तरह के पीजी हैं दिल्ली में, गुड़गांव में, बैंगलोर जो लोकेशन है, बॉम्बे लोकेशन है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, बट मुझे वहाँ का पता नहीं है कि एग्जैक्ट रहने का कितना अमाउंट होगा। तो आप इन चीज़ों के बारे में गूगल भी कर सकते हैं। सो ट्रेनिंग में और हमारा कोई भी खर्चा नहीं है, बिकॉज आने जाने का खाने लंच भी हमें इंडिगो एयरलाइंस ही प्रोवाइड करती है। बिकॉज हमारा 8 से लेके 4 तक हमारा टाइमिंग होता है, सो 8 से 4 के बीच में एक टाइम का हमें लंच उनसे मिल जाता है। सो हमारा ट्रेनिंग में सिर्फ इतना ही खर्चा होता है कि वी हैव टू बाय मेकअप। सो मेकअप प्रोडक्ट्स हम जब बाय करते हैं तो हमें जो कंपनी रेकमेंड करती है हमें वही प्रोडक्ट्स को बाय करना पड़ता है, राइट। सो कुल मिला के आप चलें तो आप 3 मंथ्स का इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप फैमिली के बिना रह रहे हैं तो आपका पीजी आप देख सकते हैं, तो पीजी का आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 मंथ का 7,000 एंड मेकअप का आपका 5,000-10,000 तक पड़ सकता है। तो जब मैंने इंडिगो से जो रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स उन्होंने हमें बताए थे वो मैंने बाय किए थे, सो मेरा वो मेकअप का कुछ 6-7,000 तक पड़ा था। सो इस तरह से डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। तो मैंने इतने ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, जो मेरे स्किन पे सूट हो रहे थे, जो एकदम नॉर्मल रेंज में थे, वो मैंने बाय किए थे। बिकॉज जैसे इंडिगो हमें 2 फाउंडेशन के लिए बोलता है, जैसे एक वन वॉज मैक एंड एक दूसरा था जो मैं यूज कर रही हूँ। सो मैक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, सो उस टाइम पे हमें पूरी सैलरी भी नहीं मिलती है, हमें स्टाइपेंड मिलता है, तो स्टाइपेंड सैलरी का कुछ हाफ अमाउंट होता है, तो इतना हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे मेकअप पे। सो नॉर्मल प्रोडक्ट्स आप बाय कर सकते हैं जो आपको कंपनी आपको रेकमेंड करती है। सो ट्रेनिंग का इस तरह से आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका 3 मंथ्स में रहने का खाने का आपका कितना पड़ेगा। सो एग्जैक्ट मुझे अमाउंट नहीं पता है कि मेरा कितना पूरा खर्चा हुआ ये सब मिला के, बट आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि आपका ट्रेनिंग सेंटर बॉम्बे में है, दिल्ली में है, कहां पे है।
सो आई वुड से कि दिल्ली में रहना थोड़ा चीप है बॉम्बे या बैंगलोर से, बिकॉज दिल्ली में आपको रहने का सब कुछ सही से मिल जाता है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इतना. सो अब हम चलते हैं फ्लाइट टिकट्स. तो अगर आप कैबिन क्रू हैं, आपका अभी अभी सिलेक्शन हुआ है, सो ट्रेनिंग में भी आपकी फैमिली को आपको फ्री फ्लाइट टिकट्स मिलती हैं. सो कम्प्लीटली वो आपके लिए फ्री नहीं होती हैं, जैसे आपको उसमें टैक्सेस तो आपको पे ही करने पड़ते हैं. जैसे अभी मेरी मम्मी आई थी चेन्नई से जयपुर, सो पूरी फ्लाइट उनके लिए फ्री थी, पूरा पूरा अमाउंट उनको नहीं पे करना पड़ता. बट फ्लाइट जो पूरी टिकट है उसका 5% या 6% या कभी कभी 10% हमें पे करना पड़ता है. तो मतलब कम्प्लीटली फ्री ही है. सो आपके फैमिली मेंबर्स को एंड आप खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं. आपको एक एप्लीकेशन बताते हैं आपके एयरलाइन वाले, तो उस एप्लीकेशन पे जाके आपको नॉमिनेट करना है. डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं कि जैसे ये मेरी मम्मी है, तो उनका आधार कार्ड वगैरह, इस तरह से आप नॉमिनेट कर सकते हैं. ट्रेनिंग में भी आप जो स्टाफ लीजर ट्रैवल है, स्टाफ ट्रैवल है, उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था लेवर में. सो लेवर में हम जब जाते हैं, सो हमेशा मैं लेवर पे वीडियोस बनाती हूँ. हम वहाँ पे कुछ अलग अलग हमेशा फूड ट्राई करते हैं, बेवरेजेस ट्राई करते हैं. सो आपका मुझे बार बार ये क्वेश्चन आया था कि जो लेवर्स पे हम जाते हैं तो क्या हमें खाने का खुद को पे करना पड़ता है. सो इसका आंसर ये है कि नहीं, हमें लेवर का खुद को पे नहीं करना पड़ता है. लेवर में जब हम होटल्स में जाते हैं तो हमारे होटल का स्टे, हमारा खाना पीना, कैब जो हमें एयरपोर्ट से लेकर आती है, लेकर जाती है, सो वो सब हमारी कंपनी पे करती है. हमें खुद भी जेब से कुछ पे नहीं करना पड़ता. बट इसका एक लेवर का एक और एडवांटेज है, वो ये है कि जैसे मैंने इस मंथ में मैंने 4 लेवर किए. सो 4 लेवर मैंने किए 8 डेज में, बिकॉज मैं अब दिल्ली जा रही हूँ. दिल्ली में मैं वहां पे स्टे करूंगी 2 दिन के लिए, वहीं से मैं फ्लाइट ऑपरेट कर रही हूँ. तो मुझे उन 2 दिनों का एक्स्ट्रा में भी मुझे सैलरी मिलेगी, एक्स्ट्रा में भी मुझे कुछ पेमेंट मिलेगा, जो मुझे सैलरी के साथ भी आ सकता है, सैलरी के बाद में भी आ सकता है. तो लेवर का हमें ये भी बेनिफिट मिलता है कि हम दूसरी सिटी में जाते हैं, वहां पे हमारे पास कुछ टाइम होता है तो हम कुछ नया भी देख सकते हैं. जैसे अगर हम अमृतसर जा रहे हैं तो हम वहां पे गोल्डन टेम्पल देख सकते हैं एंड हम वहां का फूड ट्राई कर सकते हैं, वहां पे जो जो स्पेशलिटी है वो हम ट्राई कर सकते हैं. इस तरह से लेवर का हमें अलाउंस भी मिलता है. फूड वगैरह, होटल वगैरह सब एयरलाइन की तरफ से हमारे लिए फ्री है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि पिकअप एंड ड्रॉप एंड अदर एक्सपेंसेस. तो पिकअप एंड ड्रॉप के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कैबिन क्रू को फ्लाइट्स उनके घर से ही लेकर जाती है कैब्स में. कैब्स बिल्कुल सेफ है गर्ल्स के लिए, बिल्कुल भी एकदम से सेफ है, जिसमें आपसे वो लोग ओटीपी पूछते हैं. एंड जैसे मैं इंडिगो के साथ वर्क कर रही हूँ तो उसमें इंडिगो का टैग भी लगा होगा. सो जितने भी एयरलाइंस हैं वो अपने जितने भी अपने एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी सेफ्टी का, सिक्योरिटी का वो अच्छे से ध्यान रखते हैं. सिर्फ इंडिगो ही नहीं, सारी एयरलाइंस ध्यान रखते हैं अपने कैबिन क्रू का. सो बिल्कुल ये जॉब सेफ है. बट स्टिल आपको अगर जानना है, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते होंगे, जैसे मतलब लोग इस प्रोफेशन के लिए ये बोलते हैं कि सेफ नहीं है, टाइम शेड्यूल थोड़ा ऐसा है. सो अगर जितने भी आपको डाउट्स हैं तो इस डाउट पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. एंड जितने भी इंटरव्यूज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटरव्यूज किस टाइम पे होते हैं, हमें कैसे पता चले इंटरव्यूज के बारे में, तो इस पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है मैप एविएशन करियर ऐप के बारे में, तो आप मेरा वो वीडियो चेक कर सकते हैं. अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.